नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए लेक्चर नंबर 25। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कि इस वीडियो लेक्चर को आप एंड तक ज़रूर वॉच करें। और आज के लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं इम्पोर्टेंट सिम्बल्स ऑफ मैथमेटिक्स, तो एंड तक बने रहें। आ जाओ, देखो भाई, सिम्बल लेफ्ट साइड रहेगा, सिम्बल राइट साइड रहेगा, उसका रेफरेंस मतलब उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है। आ जाओ, पहला जो सिंबल है ये होता है बराबर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल टू, हिंदी में बोलते हैं बराबर। पहले का काम हो गया। बराबर को जब ऐसे लिख कर काट दिया जाए तो ये होता है नॉट इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं। दूसरा भी डन। ये जो ऐसे चिन्ह बन रखा है ये मैं आपको बना के बता दूँ, ऐसे आपको बनाना तो आता है, ये धागा सा है, ठीक है ना। ये एड्स का है यार, ये SMR का सा है एक, क्योंकि शायद वो पीछे से जुड़ा भी होगा, ऐसा करके होता है, ठीक है ना, वो एड्स वाला चिन्ह है शायद, ठीक है। तो ये है, ये प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह है मैथमेटिक्स के लिए, जिसे हिंदी वाले बोलेंगे समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती। और हम आपको बता दें समानुपाती और अनुक्रमानुपाती दोनों चीज़ें एक ही है। आगे आ जाओ, ठीक है। जब ऐसे ये चोंच इस साइड, चोंच इस साइड मुँह हो, ये चोंच यदि लेफ्ट साइड आ जाए तो आप इसको बोलोगे लेस देन, मतलब से छोटा। जैसे मैं ये बोल दूँ ए बी, तो यहाँ पर आप इसको क्या पढ़ोगे, आप इसको पढ़ोगे ए इज लेस देन बी, या फिर आप इसको ऐसे पढ़ोगे बी इज ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन, लेस देन, लिटिल लेस, लिस्ट, ठीक है। कौन सी डिग्री चल रही है भाई, जब भी देन आता है ना देन, उसके साथ कंपेरेटिव डिग्री चलती है। इंग्लिश वाले रूल भी आपको बताए जाएंगे धीरे धीरे, टेंशन ना लो, मुझे टाइम मिला तो, ठीक है। तो ये देखो लेफ्ट साइड में इसने मुंह खोल दिया, तो इस पर ये हो जाएगा ग्रेटर देन, मतलब से बड़ा। तो हम जैसे ले लेते हैं एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, मतलब एक्स वाई से बड़ा है। अब देखो इस छोटे वाले चिन्ह को हमने काट दिया, तो नॉट लेस देन मतलब छोटा तो नहीं है, छोटा नहीं है, इतना तो, इतनी तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए। इस वाले को हमने काट दिया तो आप बोलोगे नॉट ग्रेटर देन, मतलब बड़ा नहीं है। आगे आ जाओ, आगे वाले हम देख रहे हैं, तो ये भी हमने कर दिया, ये भी कर दिया। ये जैसे क्या है, ये जैसे है छोटा, या तो छोटा है या फिर क्या है बराबर, लेस देन और इक्वल टू, से छोटा या बराबर, या तो छोटा है या फिर बच्चे बराबर है, ये बड़ा है या फिर बराबर है, डन भाई, ठीक है। समझ में आ रही होगी चीज़ें, इतनी कोई हेवी ड्रामेटिक चीज़ें नहीं हैं जो कि आपको समझ में ना आए, ठीक है ना। एकदम आराम से चीज़ें स्मूथली चल रही है। मेरी ये कोशिश रहती है कि जितनी भी चीज़ें हो वो आपके दिमाग के अंदर तक पहुँच जाए, ठीक है। ये जो साइन अप पड़ा हुआ आठ, लेटा हुआ आठ, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है बच्चे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ठीक है ना। इन्फिनिटी मतलब अनंत, अनंत मतलब जिसका कोई एंड अंत न हो। आगे आ जाओ, ये जैसे ये साइन है और, मतलब या तो ये साइन या ये साइन, इसको हम बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं सिग्मा, इसका मतलब होता है टोटल, मतलब समेशन। ये जैसे कि आप ऊपर हो गए स्टेटिस्टिक्स, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस जो साइन है, सिंबल है, इसको आप अच्छे से जानते हो, ये परसेंटेज का साइन होता है बच्चे, ठीक है ना। यहाँ पर एक दो साइन जो नहीं मिले वो मैं आपको बता दूँ। ये जो अपना साइन होता है इसको आप लिख लो, ये होता है रेशियो का। ये जो अपना चार बिंदी वाला साइन होता है ये होता है प्रोपोर्शन का। समझ में आ रही होगी चीज़ें कि नहीं आ रही, आ रही, ठीक है ना। आ जाओ आगे, प्लस है तो प्लस, देखो इस प्लस का मतलब होता है प्लस और पॉजिटिव, ठीक है ना। कई बार ऐसे भी कर देते हैं प्लस वैल्यू, मतलब उसकी वैल्यू, उसका मान जो है वो पॉजिटिव है। कई बार ऐसे भी कर देते हैं माइनस वैल्यू, तो उसका मान, उसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव। आ जाओ, ये माइनस, तो माइनस का मतलब माइनस या फिर नेगेटिव, घटाव, या फिर इसको हिंदी में बोल देंगे ऋणात्मक, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं जोड़ या धनात्मक। पॉजिटिव को धनात्मक, नेगेटिव को ऋणात्मक, प्लस को जोड़, माइनस को घटाव। इतनी चीज़ें तो देखो आपको आती है, ठीक है। अभी और चीज़ें सीखना, आप देखो अपना आपके लिए साफ है, बस आपको हमें सिखाना है, वो भी अच्छे से। अच्छा, जैसे हमने निकाला एग्ज़ाम, वैसे आप भी इजीली निकाल दें यार, इजीली। वरना तो देखो लोगों को तीन तीन चार चार साल लग जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ यदि आप अच्छे से पढ़ोगे 6 महीने 1 साल में एग्ज़ाम निकाल लोगे, ठीक है ना। बाकी देखो सिर्फ
कहने की चीज़ें होती है जो मेहनत करने वाला होता है वो निकाल ही लेता है बच्चे। आ जाओ ए मल्टीप्लाई बी, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए डॉट बी। तो ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ये मल्टीप्लीकेशन, और बच्चे ध्यान रखना ये भी मल्टीप्लीकेशन होता है, मतलब गुणा, जिसको प्रोडक्ट भी आप बोल सकते हो। आगे आ जाओ ए डिवाइड बी, या फिर हम बोल सकते हैं ए स्लैश बी, या हम बोल सकते हैं ए अपॉन बी। ये सभी डिवीज़न लिखने के तरीके हैं, मतलब हमारे कहने का मतलब भाग भी भाग होता है, ये स्लैश वाला भी भाग होता है, और ये जो फ्रैक्शन होती है ये भी भाग होता है। ठीक है, एक बात और बता दूंगा आपको, यहाँ पर है ना ये भी भाग होता है, ये भी मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ और लिख लेना, यहाँ पे ऐसे लिख देना कि ए रेशियो बी, ये भी भाग होता है। क्योंकि ए रेशियो बी का मतलब क्या होता है बच्चे, आप बोलोगे ए बट्टे बी, ए बट्टे बी क्या होता है ए भाग बी, ए भाग बी क्या होता है ए स्लैश बी। तो ऐसे देखो सभी चीज़ें हमने आपको बता दी, चार चार चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ये किसी बुक में नहीं मिलने वाली आपको, दो मिल जाएगी तीन मिल जाएगी, ठीक है ना। रेशियो भी भाग है, फ्रैक्शन भी भाग है, स्लैश भी भाग है। आ जाओ ये तीन बिंदी जो लगती है आपने बुक ने कई बार देखा, ये डियर फॉर इसलिए होता है जब आंसर वगैरह कुछ बताया जाता है तब। ये जो थ्री डॉट है थोड़ा उल्टा करके, दो ऊपर एक मिडल में, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में नीचे की साइड, इसको बोलते हैं बिकॉज, हिंदी में बोलते हैं क्योंकि या चूंकि। आगे आ जाओ बच्चे, ये होता है आपका एंगल का साइन, एंगल, समझ में आ गया, ठीक है, एंगल मतलब कोण। आगे आ जाओ, ये होता है आपका परपेंडिकुलर, या इसको परपेंडिकुलर होता है बच्चे, और ये ऐसे कर देना, ये होता है आपका 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल, ठीक है, मतलब ये क्या होता है, ये होता है, आप लिखना चाहो तो लिख लो राइट एंगल, RIGHT राइट एंगल, ठीक है। जैसे ये वाला आपको एंगल बना के फिर ऐसे त्रिभुज बना देना, तो इसको आप बोल देना राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट कई बार या एंगल्ड भी इनको बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज, समझ में आ गई बात, ठीक है। इस 20 वाले का ध्यान रखना, 20 वाला देखो सीधा, इसको सीधे को परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं लंबवत, और जब भी लंबवत होता है तब डिग्री कितनी होती है 90 डिग्री, ये भी आप ध्यान रखें। अगला बच्चों आ चुका है समानांतर, समानांतर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल, ठीक है। देखो दो ऐसी रेखाएं जिनको आगे बढ़ने पर भी उनका गैप समान रहे, इनके बीच की दूरी यहाँ ना पहुँचाए, आगे आप 50 किलोमीटर जाके ना हो तो भी इनके बीच की दूरी सेम है, समान है, इक्वल है, तब आप इन रेखाओं को बोल दोगे पैरेलल लाइंस या फिर समांतर रेखाएं। ये हमने आपको बता ही दिया, ये होता है ट्राइंगल त्रिभुज, ये होता है आपका रेक्टेंगल मतलब आयत, ये होता है आपका स्क्वायर यानी कि वर्ग। देखो रेक्टेंगल और स्क्वायर का ध्यान रखना, स्क्वायर में सभी जो इसकी साइड है वो इक्वल है, इसमें देखो आमने सामने के अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन ए रेक्टेंगल, ठीक है। ये आपका स्मॉल ब्रैकेट होता है बच्चे, ये आपका मीडियम मध्यम मंझला कोष्टक होता है, मंझला कोष्टक, ये आपका बिग ब्रैकेट मतलब बड़ा कोष्टक होता है। तो चीज़ें जरूरी सिंबल्स मैंने आपको यहाँ से बता दिया है, ज़्यादा आप तैयार नहीं कर सको तो भी आप इतने सिंबल ज़रूर तैयार कर लेना, देखो आपके लिए चीज़ें काम आएगी, सीधी सी बात, हम आपको वो नॉलेज देना चाहते हैं जहाँ से आपका एग्ज़ाम भी निकले और आपको किसी चीज़ का नॉलेज भी अच्छे से रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।